देख रामू काका और मौसी ने भी पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। राजपैया मास्टर बाबू को मुखिया के लोगों ने छिपकर जहर का तीर मारा। अब जल्दी पुष्पा नर्सिंग होम आ जाइए। मैं एक तीर लग जाने से कायरों की तरह चुप होकर बैठ जाऊं? संभल के रामू काका, लाइन में पकड़ता हूँ। आइए समझ में नहीं आता ये लोग मैना को किधर ले गए हैं। कुछ पता नहीं। मैं गांव के उत्तर वाले जंगल का चप्पा चप्पा छान मारता हूँ। ठीक है, आप वहाँ ढूंढिए और हम यहाँ। ठीक है, पर मासी बाबू फिर मिलेंगे कहाँ? जिसको भी मैना की खबर लगती है वो ढाके पेड़ वाले मंदिर की घंटियां बजाएगा, हम लोग वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक ठीक है। मैना बिटिया, मैना 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 ये रामू काका मैना भी रामू काका देखिए थोड़ा सा और है, मैना जरूर मिलेगी रामू काका। चलिए ना, चलिए चलिए। मैना बिटिया जरूर मार डाला होगा उन लोगों ने, जरूर मार डाला होगा। हे भगवान, रामू काका और लाजू ने भी अभी तक मंदिर की घंटी नहीं बजाई, इसका मतलब उन्हें भी कोई खबर नहीं मिली। मास्टर बाबू मैना नहीं मिली। तो मैं समझ गया, एको मैं कब से समझा रहा हूँ, इन राक्षसों ने मैना बिटिया को मार डाला होगा। आप मेरा साथ दोगे ना अपनी मैना के लिए? कैसी बात कर रहे हैं मास्टर बाबू, हमारी मैना के लिए बेशक हमारी जान ले लीजिए। और तुम लाजू? मैना के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मास्टर बाबू, कुछ भी, पहले हम तुमको की जान लेंगे। कहाँ बोल रही हो लाजू? अच्छा, थोड़ी देर बाद आप लोग मेरे घर आ जाना योजना बनाने के लिए, और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओम मृत्युंजय रुद्रा नीलकंठा शांभवे अमृतेशा सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्रैमां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्रैमां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। मास्टर बाबू आपकी शादी हो गई क्या? मेरी? नहीं नहीं,
हमरी भी नहीं हुआ, हम तो शादी करेंगे। प्रकाश भैया, मैंने उस्ताद जी को फोन कर दिया और आपका लेख भी भिजवा दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि राज भैया इसे बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियों में ला देंगे। अच्छा भैया, आप ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है। इस घिनौनी परंपरा का अंत करना है। मुजरिम को सजा दिलाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इन लोगों की पिछली मानसिकता को हमें इन्हीं के हथियार से मारना है। अब सब कुछ तुझ पर निर्भर करता है। मैं तैयार हूं भैया, और मैं तो हमेशा से आपके साथ हूं। दोस्तों, आप सबको यहां बुलाने का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसी सामाजिक बुराई से आपको रूबरू करना, एक ऐसी सामाजिक कुरूति से आपका साक्षात्कार कराना जिसका नाम है डायन प्रथा। प्रकाश हमारे समाचार पत्र का एक निर्भीक पत्रकार, वो आजकल इसी प्रथा, इसी बुराई के खिलाफ काम कर रहा है। डायन प्रथा के नाम पर ओझा लोग, झाड़ फूक करने वाले लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनकी जमीनें हथिया लेते हैं, उनके काम धंधों पर काबिज हो जाते हैं। डायन प्रथा के नाम पर मासूम और गरीब औरतों को सताया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उन पर बलात्कार किया जाता है, यहां तक कि उन्हें मार दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मीडिया के लोग इसके खिलाफ एकजुट हों, हम सब लोग इसके खिलाफ कमर कसकर मैदान में डटें। और ये सिर्फ मेरे ही समाचार पत्र में, मेरे ही अखबार में सुर्खियों में ना छपकर आप सबके अखबारों में इसे बड़ी बड़ी सुर्खियों में जगह मिले, ताकि हम इस सामाजिक बुराई का एकजुट होकर मुकाबला कर सकें और इसे समाज से उखाड़ फेंके। मंगला शुरू हो जा, और ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मंगला, मंगरा, मंगरा, ये क्या हुआ मंगरा? मंगरा क्या हुआ? मंगरा, अरे बोल दो। मंगरा ये क्या हुआ? अरे ये तो वही, अरे क्या हुआ? क्या हुआ मंगला को? क्या हुआ मंगला को? मंगरा, क्या हुआ को मंगला को? क्या हुआ? मंगरा, मंगरा, क्या हो गया? मंगरा, कुछ बोलना। लगता है उनको डायन पकड़ लिया। चंकर जा, जल्दी ओझा को बुला ला। जाओ जल्दी। मंगरा, मंगरा, ओझा आ रहा है भाई। मंगरा ओझा आ रहा है। मंगरा ओझा आ रहा है। मंगरा हुआ मंगला? जय महाकाल, बता इस बीमार का हाल। लगता है बहुत बड़ी टहन लगी है खून सुना घाट की। जाओ एक मुर्गा लेके आओ। जाओ जल्दी से एक मुर्गा लाओ। जहन ने जादू तो ना कर दिया, अभी मुर्गा आएगा तो सब पता लग जाएगा। मुर्गा ना। पता डैन, पता क्या है तेरा पता? अच्छा क्या निशंड बक रही है तू? वो गंगू ओझा, आज डैन का पता नहीं चला? आज क्या हुआ? आज तो ये से क्या हुआ? अरे ऐसे तो ये मर जाएगा। आज क्या हुआ? सुना है पड़ोस के गांव का नया झगड़ू हो जा बिना मुर्गा लिए देखकर सब कुछ बता देता है। जा शंकर, अरे जा बुला के ले आ। मैं भी आता हूं। जा बुला के ले। आज क्या हुआ? वो दादी दान का पता नहीं चला? ठीक हो जा भैया।
बता, बता डैन बता। मंगरा को कहाँ हो गया अब? कहाँ हो गया मंगरा को? आइए, आइए हो जाए, आइए। मंगरा छिछका के दंडे, महाकाल। ओम चुमुंडाए नमः, नमः नमाए चुंदना। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ने बच्चा सुरगा दाता प्रसाद, दे दे प्रसाद और कर दे इसका उद्धार। खाले बच्चा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे ये तो मंगरा, अरे ये सब लोग क्यों खड़े हैं? कहाँ हुआ? अरे मंगरा तुम तो जल्दी ठीक हो गए। जोहार बाबा, देखा झगड़ू हो जाएगा कमाल, झगड़ू हो जाती, झगड़ू हो जाती। जिसने तुम पर जादू किया है से भी ढूंढना है, उसे सजा भी तो देनी है, देनी है। और ये बताएगा देवी माता फूल, ओ माता। पता चल गया, पता चल गया, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। और उस घर में दो प्राणी, दो प्राणी, बीवी नहीं है, उस आदमी की बीवी नहीं है, एक जवान लड़की है और वही है डायन। जवान लड़की डायन, डायन का बाप यहाँ मौजूद है, दुर्गा माँ का फूल उसकी जेब में है। चलो जल्दी से चलो, फूल है, हम तो राशि नहीं देंगे। तो फिर यही है उस डायन का बाप। ये क्या है? पता नहीं, मिल गया, मिल गया। इसम ढूंढे, ढूंढे, ढूंढे। तो ये पूजा का फूल तुम्हारे पास कैसे है? हाँ बताओ, आप लोग खड़े क्यों? चलो पकड़ कर ले आओ डायन को। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी डायन नहीं है, बोल ना कर लू। हाँ लाजो डायन नहीं है। चल चल को डायन के बाप को। अगर डायन सचमुच इसकी बेटी है तो इसका जवाब धरती मां देगी। बोलो धरती मां, तू को मत मारना। बहुत बड़ी समस्या है। समस्या? डायन को तो वही मार सकता है जिसने पहले भी कभी डायन को मारा हो। अरे तब तो कल्लू मार दे, उन्हें तो शनिचर की काकी को कुछ दिन पहले आग लगाई थी। अरे नहीं नहीं, तुम तो गांव से डायनों को खत्म कर रहे थे, अब क्या हुआ? आप लोग ध्यान से सुनिए, डायन ओझा की बेटी है, ये आपने से किसी पर भी सवार हो सकती है। अगर वो कल्लू पर सवार हो गई तो कल्लू से मारने से घबराएगा। तुम पहले कल्लू के भीतर बैठी डायन को मारना और फिर। बाबा, बाबा हम डायन नहीं है, बाबा बाबा हमें बचा लो, बाबा हम डायन नहीं। कल्लू तो नहीं मारेगा, सुनो हम क्या कह रहे हैं। हमारी एक ही तो बिटिया है, उसको मत मारो, तुम्हारी तो वही को मारता हूँ।
तो मुश्किल, ना मारू तो मुश्किल। बाबा लीजिए कुल्हाड़ी, मार दिए इसको। झिझक रहा है, लगता है इस पर डायन सवार होने वाली है। अगर डायन सवार हो गई तो नहीं नहीं, मारता हूँ मारता हूँ। बल्लू तो जानता है ये सब झूठ बात है, ढोंगे डायन कुछ नहीं होता। अच्छा? जब अपनी बेटियां पर बात आई तो डायन वायन कुछ नहीं होता। अगर डायन वायन कुछ नहीं होता तो फिर शनिचरी को क्यों फंसाया, मंगला को क्यों मारा तुमने, मैना को? कल्लू अगर तूने कुछ किया तो हम सबको सब कुछ बता देंगे। अरे हम अगर लाजो को ना मारे तो लोग हमको मार डालेंगे। तू अब सच सच बता दे, शायद भगवान को दया आ जाए और तुमने लाजो बच जाए। मुखिया शनिचरी की जमीन पे आग गड़ाए बैठा था, उन्हीं को हड़पने के लिए एक दिन हमको बुला कर मुखियाओं को झूठ मूठ डायन बताने को कहा, और बुधराम को दारू में जहर मिलाकर कल्लू ने मारा, और हम सबने मिलकर मुखिया की बात में आकर शनिचरी को। फिर हम सब मिलकर इसको मजा चखाएंगे। पहले मेरी बिटिया को छोड़ दो। मत बोलो, मत बोलो, कितना पाप किया। मेरी बिटिया के मरने का समय आया तो अपने ही जाल में मकड़ी की जैसे तड़प रहे हो। घिन आती है हमें तुमसे। तुमको माफी दे दो बिटिया, तुमको माफी दे दो। उदम मुखिया और लालू के लाओ था। तू भी तो कहता था कि मेरा धंधा बंद हो जाएगा, हम मुखिया जी कर लो कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। पर मैंने को फंसाने का विचार तो तुम रही था, गांव से उसे बाहर निकालकर तुमने जो कुछ उसके साथ किया वो हम तो नहीं बोले थे। और कल्लू ने बता दो मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। बता दो कल्लू अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। चारों फंसेंगे। बेचारी बच्ची। जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए मास्टर बाबू।
ये गांव के मर्दों ने जो नहीं किया वो एक नौजवान लड़की ने कर दिखाया। कानून की नजरों में वो एक मुजरिम है, लेकिन मेरी नजर में वो एक बहादुर और न्यायप्रिय लड़की है। भगवान श्री कृष्ण ने ठीक ही तो कहा था, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला बहुत ज्यादा पापी होता है। जाने दीजिए मास्टर बाबू, उनको जाने दीजिए। मुखिया जी, क्या करो, मजबूरी है। आइए। चलिए चलो तुम दोनों। बेचारी मैना, कितनी नाइंसाफी हुई है उनके साथ। शुक्र है भगवान का वो बच गई। पहले तो ये गांव के खूंखार भेड़िए वो मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाते, और वो भी डायन परंपरा के घिनौने पर्दे के पीछे छुप गए। ऊपर से हमारा समाज हर बलात्कार के शिकार पर थू-थू करता है। हम पूछते हैं क्यों क्यों, आखिर में असहाय और मासूम औरत का क्या कसूर। कमाल की बात है, रामू काका भी वही सोच रहे हैं जो इस वक्त मैं सोच रहा हूं। Why further victimize the victim? Why? मैं तो बहना से आज भी उतना ही प्यार करता हूं, तो फिर क्या उसे अभी बताना उचित रहेगा? अभी तो उसकी हालत क्या, उनके दुख को हर दुख, उनकी निराशा को आशा में बदल दे। घबराओ, जाओ बेटा। Thank you.
तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम हाँ करो तो Thank you.